सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले ग्लो वॉल के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जो कि हमारा ग्लो वॉल है वो कैसे आप अच्छे से लगा सकते हो। बहुत ही अच्छा है, मतलब टिप्स आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देख लो एंड लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से नोटिफिकेशन ऑल पे कर दो एंड अब वीडियो को शेयर कर दो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। क्योंकि गाइस जो ग्लोबल के टिप्स एंड ट्रिक्स है वो बहुत कम बंदे देते हैं, बट मैं दे रहा हूँ। और हमारा जो सेकंड चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लेना। एंड जो ग्लोबल के टिप्स एंड ट्रिक्स है वो आपको सीखने के लिए ना थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ना, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। एंड फर्स्ट लास्ट वीडियो का जो फर्स्ट कमेंटर उसको शाउट आउट मैंने दे दिया है। तो चलो फर्स्ट हमारा जो ग्लो वॉल का टिप है वो देख लेते हैं। तो गाइस जो हमारा फर्स्ट ग्लो वॉल है, मतलब कैसे आप अच्छे से कर पाओगे, जिसके लिए सबसे मेन लगता है वो है कस्टम आर्ट। तो कस्टम आर्ट आप कहाँ रखोगे, देखो बहुत बंदे ग्लो वॉल का जो भी है ये इस जगह पर रखते हैं, जो जहाँ पर मैंने आलोक का यूज़ किया है उस जगह पर रखते हैं। एंड बहुत बंदे नीचे रखते हैं, तो मैं नीचे रख के खेलता हूँ। एंड लाइट एंड रेफ दोनों एम आप यूज़ कर सकते हो, जो आप यूज़ करते हो वही आप यूज़ करो। एंड ये मतलब ये सिंपल ट्रिक है जो कस्टम आर्ट है, वो तो मेन है। सेकेंड है अप डाउन ग्लो वॉल ट्रिक। तो अप डाउन ग्लो वॉल ट्रिक क्या है, तो देखो अगर आप एक ग्लो वॉल लगाओगे, एक ग्लो वॉल के बाद आप तुरंत डाउन करके फिर से दोबारा बैक आ जाना, ग्लो वॉल के कवर पे आ जाना। जैसे कि मैं धीरे धीरे करके स्पीड में करूँगा, आप लोग के देखने के लिए इजी होगा। तो इधर देख लो, मैं जो है ग्लोबल का कवर ले रहा हूँ एंड जो है डाउन हो रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है ना, मैं बहुत जल्दी ग्लोबल के अंदर आ सकता हूँ, जिससे एनिमी मुझे जल्दी नहीं किल कर पाएगा, जिससे मुझे ड्रैग जल्दी नहीं ले पाएगा। इससे बहुत ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा एक कवर हो जाता है आप लोगों के लिए। ग्लोबल तो होता ही कवर, एंड जो अगर आप डाउन कर दोगे तो एनिमी के जो है ड्रैग लगने के चांसेस कम हो जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है आप लोगों के लिए। एंड इस वजह से डाउन होके आप ग्लोबल के कवर में बैक भी आ सकते हो, जिससे एनिमी आपको नहीं मार पाएगा। जो कि हमारा थर्ड है वो है यूज़ हैंड आफ्टर यूजिंग ग्लोबल। तो गाइस यूज़ हैंड आफ्टर यूजिंग ग्लोबल क्या है, ज़्यादातर बंदे ना ये करते हैं, मतलब एक कूद कूद के भाई ग्लोबल के बारे में ऐसा ग्लोबल लगाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो इसे आप मत करो, आप ये करो ही मत। आपको मैं जो बोल रहा हूँ वही करो। जो है देखो मैं एक ग्लोबल लगा रहा हूँ, ग्लोबल लगाने के बाद मैं तुरंत जो है स्प्रिंटिंग के लिए जो है हमारा हैंड होता है ऊपर वो यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको समझा देता हूँ क्या चीज़ होती है। जो इससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा आपको स्प्रिंट में स्पीड मिल जाती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा हमारा प्लस पॉइंट हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। जो कि स्प्रिंट है ना वो हमारा फास्ट हो जाता है ज़्यादा, यही मैं बोलना चाहता हूँ। तो हाथ जो है उसे यूज़ करो, इट इज़ यूजेबल फॉर एडवांटेज फॉर यू। तो गाइस ये आपका स्पीड इंक्रीज करेगा बेटर देन एनिमी, एनिमी से आप ज़्यादा इसे कर पाओगे। तो अगर आप पैन या फिर कोई बैट या फिर पारंग यूज़ करो तो आपको क्या मतलब देखने को मिलेगा, मैं दिखा देता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हो एंड साउंड भी सुन सकते हो। तो इधर जो है मैं ग्लोबल लगाने के बाद डाउन होके डायरेक्ट जो है हाथ में ले ले रहा हूँ जो हमारा हैंड होता है, वो हैंड का मुझे एम का नाम पता नहीं। एंड जो हमारा फोर है वो है 180 डिग्री ग्लोबल टिप, एंड जनरल आपका 100 होना चाहिए इसके लिए। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो अगर आपके पीछे से कोई बंदा आ रहा है तो आप तुरंत देख के पीछे घूम के ग्लोबल लगा सकते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्किंग है। एंड जो मैंने थर्ड वाला बोला वो सबसे ज़्यादा वर्किंग है, फोर्थ वाला भी काफ़ी वर्किंग है, एंड टू सेकेंड वाला भी काफ़ी वर्किंग है, फर्स्ट वाला तो सबसे ज़्यादा कस्टमर जो कि मेन होता है। तो मैंने वो भी आपको बोल दिया। ये आप प्रैक्टिस करने के बाद आप कस्टम पे जाकर इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, अनलिमिटेड वाला बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपका जो है ग्लोबल बहुत स्पीड पर लगा पाओगे, जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ। तो चलो फाइव नंबर पे मैं आपको एक बंदे को किल करके दिखा देता हूँ इसी ग्लोबल के टिप्स सारे फॉलो करके। एंड एक और चीज़ भी बोल दूँ कि ये फाइव नंबर पे ट्रिक है नहीं, ये मैं जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि कैसा होगा। इधर देख सकते हो मेरे पीछे एक बंदा है, जहाँ पर मैंने 180 डिग्री ग्लोबल का यूज़ किया था, बट पता नहीं कैसे मुझे मार दिया। इधर देखो स्प्रिंटिंग के लिए मैं फिर से जो है हैंड वाला यूज़ कर रहा हूँ, एंड ये जो है बंदा को मैं डैमेज दे रहा हूँ, बंदे ने ग्लोबल लगा लिया। तो बंदा भी काफ़ी ठीक ठाक खेलने वाला है। इधर ग्लोबल के लिए मैं कवर बहुत अच्छा लगा रहा हूँ ग्लोबल से, एंड इधर बंदे को हेडशॉट। तो गाइस इसी की तरह आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगर सारे ग्लोबल के टिप्स आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड
लाइक करने से पहले हमारा जो सेकंड चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल उस पर ऑल पे सेट कर देना। उसके ऊपर दो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं तो वो दो वीडियोस भी ज़रूर देख लेना। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना एंड जो फर्स्ट कमेंट करेगा उसे शाउट आउट मिल रहा है नेक्स्ट वीडियो में, तो कमेंट भी ज़रूर कर देना। अगर आपने अभी तक नहीं किया है नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट बताना अगर ऐसे और ग्लोबल के टिप्स या फिर किसी और चीज़ों के टिप्स आपको चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, बाय, प्लीज मेरे वीडियो में, टेक केयर।